अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है मेरे मोस्ट फेवरेट ब्लशेस और हाइलाइटर पे। सबसे पहले है जी O2O का लिक्विड ब्लश। पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी है, ग्लास पैकेजिंग है। इसमें 6 शेड्स होते हैं, मेरे पास है 01। ये बहुत ही नेचुरल सा लगता है, बाकी जो हैं वो थोड़े डार्क में आ जाते हैं, रोज़, पीच, ऑरेंज, बाकी थोड़े डार्क शेड्स में आ जाते हैं। ये वाला जो शेड है ये नेचुरल सा शेड है और ये बिल्कुल भी टिंट की तरह नहीं है। टिंट जब हम लगाते हैं तो वो स्टेन छोड़ जाता है, लेकिन ये क्रीम ब्लश है, ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता। आप जितनी देर मर्जी लगा के इसको ब्लेंड करें, आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है ये और बहुत ही नेचुरल सा लगता है। इसमें गोल्डन शीन है जो ग्लोई इफ़ेक्ट देती है, बिल्कुल लाइट सी है, बहुत गौर से देखने से पता चलता है ग्लिटर नहीं है, गोल्डन शीन है। फिर आती है जी हुदा ब्यूटी की 6 कलर ब्लशर एंड कंसीलर पैलेट। इसका जो नंबर है वो है 01। ये मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके मुकाबले में मुझे लिक्विड ब्लश ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो पाउडर ब्लशेस होते हैं वो उड़ जाते हैं, इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। ये इसके स्वाचेज हैं, जो फर्स्ट वाले दो हैं वो हैं बहुत ही लाइट से पिंक और जो थर्ड वाला है वो थोड़ा डार्क पिंक है। उसके बाद है जी मेरे पास डायमंड ब्यूटी का ब्लश। इसमें भी जैसे O2O के लिक्विड ब्लश में गोल्डन शीन है, इसमें भी उसी तरह की गोल्डन शीन है और ये ऑरेंज पीच सा कलर है। ऑरेंज, ये देखें, आपको गोल्डन शीन शायद नज़र आ ही जाए। आपको दिखाती हूँ जिस तरह से इसमें बहुत ही लाइट सी है, इसी तरह से लिक्विड ब्लश में भी है। अब हम चलते हैं हाइलाइटर की तरफ। तो मेरे पास है इधर O2O का लिक्विड हाइलाइटर। अच्छा, अब जो लिक्विड हाइलाइटर होते हैं ना, ये या तो फाउंडेशन में मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले यूज़ कर सकते हैं। ये है रोज़ गोल्ड लिक्विड हाइलाइटर O2O का, शेड है इसका सनबर्स्ट। जब आप इसको फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हैं तो ये आपको बहुत ही ग्लोई सा इफ़ेक्ट देती है, बहुत ही ड्यूई फिनिश देती है। ये आपको मैं लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें। उसके बाद है जी मेरे पास 7 कूल हाईलाइट कलर। ये भी बहुत अच्छी है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी लाहौर से, शायद आपको मिल जाए या शायद ना भी मिले। इसका नंबर जो है वो 02 है और इसका नाम है 7 कलर हाईलाइट, 7 कूल हाईलाइट कलर। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें और भी थे शेड्स, मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ। अब ये देखिए पाउडर हाइलाइटर है, तो आप इसको फाउंडेशन से पहले नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको फाउंडेशन के बाद ही यूज़ करेंगे। और ये रहे इसके स्वॉचेस, ये लाइटिंग में बहुत ही प्यारा लगता है। फिर आता है जी मेरे पास मिस रोज़ का हाइलाइटर। ये भी, इसमें सिर्फ मैं एक ही शेड यूज़ करती हूँ, 2nd नंबर वाला, यही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बाकी बहुत नीचे वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं और जो वाइट है वो किसी काम का नहीं है। इसका जो नंबर है वो है 02। फिर है जी मेरे पास क्रिस्टीन का हाइलाइटर, ये है गोल्डन और इसका नंबर है CN824। ये गोल्डन है, इसको आप एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा, इसमें शाइन है, गोल्डन शीन है। आप इसको एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेरे फेवरेट ब्लशेस और हाइलाइटर। हाइलाइटर और ब्लशेस मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।